डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएनपीजी कॉलेज हिसार। आज के इस लेक्चर में हम सिंगल एरियल फोटोग्राफ्स आज के इस लेक्चर में हम सिंगल एरियल फोटोग्राफ्स की ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे कि जब हम किसी भी भूभाग का फोटोग्राफ्स प्राप्त करते हैं तो जो फोटोग्राफ्स हमें प्राप्त होता है तो जो ज्योमेट्री यहाँ पर अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स की, इस भूभाग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, क्या उनकी ज्योमेट्री हमें एक्यूरेट, जो फोटोग्राफ्स प्राप्त हुआ है उसके अंदर एक्यूरेट होती है या नहीं, उसका डिस्कशन हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि फोटोग्राफ्स क्या है, किस प्रोजेक्शन पे बने होते हैं, ये वो प्रोस्पेक्टिव सेंटर, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कैसे ऑर्थोगोनल या प्लेनिमेट्री प्रोजेक्शन से अलग होता है, ग्राउंड नादिर पॉइंट क्या है, प्लम लाइन क्या है, फिड्यूशियल मार्क्स किसे कहते हैं, फिड्यूशियल एक्सिस और प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर क्या होता है, प्रिंसिपल डिस्टेंस किसे कहते हैं और प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या है, फोटोग्राफिक सेंटर क्या है और स्केल कैसे ज्योमेट्री को प्रभावित करता है, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट और ऑर्थो रेक्टिफिकेशन, इन सभी पॉइंट्स का हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ही फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स क्या होते हैं? जब एयरक्राफ्ट के द्वारा हम किसी भी भूभाग का फोटोग्राफ्स लेते हैं तो वो एरियल फोटोग्राफ्स होता है, और ये फोटोग्राफ्स मेनली तीन तरह के होते हैं, वर्टिकल फोटोग्राफ्स, हाई ओब्लिक फोटोग्राफ्स और लो ओब्लिक फोटोग्राफ्स। जैसे ये कोई भूभाग है ए बी सी डी, चार कॉर्नर के अंदर ये बटा हुआ है और यहाँ कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा किसी न किसी एयरक्राफ्ट के अंदर लगा हुआ है, इस कैमरे से हम इस भूभाग को देख रहे हैं। जहां पर ये कैमरा लगा होता है, जहां से हम वस्तुओं को देखते हैं या ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उस भाग को हम एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं, जहां से ऑब्जेक्ट्स को या भूभाग को कैमरे द्वारा देखा जाता है वो पॉइंट एक्सपोजर स्टेशन कहलाता है। जब ये पॉइंट पॉजिटिव के अंदर, कैमरा जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव के अंदर ये हमें सेम दिखाई देता है, जैसे ए पॉइंट है, यहाँ ए है, ये बी पॉइंट है तो यहाँ बी है, सी है और डी है। लेकिन जब ये कैमरा जो एक्सपोजर स्टेशन है, जहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ रहता है, ये कैमरे का इंटरनल पार्ट है, उस कैमरे के इंटरनल पार्ट के अंदर ये इस भूभाग का नेगेटिव के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि जब पहले एयरक्राफ्ट के द्वारा ये फोटोग्राफ्स लिए जाते थे तो उसके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड होते थे, तो फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर नेगेटिव के अंदर ये डाटा स्टोर होता था। तो जैसे ये ए पार्ट्स है, ये यहाँ चला गया है, बी यहाँ चला गया है और जो सी पार्ट है यहाँ चला गया है और ये डी पार्ट, तो ये जो ये भूभाग है ये कैमरे के नेगेटिव के अंदर स्टोर हो जाता है। अब इसमें एक प्लम लाइन का, जहां ये एक्सपोजर स्टेशन है या कैमरे का परस्पेक्टिव सेंटर है, ये कैमरे का परस्पेक्टिव सेंटर मीन्स जहां पर कैमरा लगा हुआ है उसको हम परस्पेक्टिव सेंटर भी बोलते हैं, जहां पर कैमरा लगा हुआ होता है। मान यहाँ कैमरा है और बिल्कुल डायरेक्ट अगर ये कैमरा यहाँ से छूट जाए तो ये जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट को हम नादिर पॉइंट बोलते हैं। कैमरे के परस्पेक्टिव सेंटर से डायरेक्ट जिस पॉइंट के ऊपर, कैमरे के बिल्कुल डायरेक्ट नीचे जो पॉइंट होता है उसको हम नादिर पॉइंट कहते हैं, और परस्पेक्टिव सेंटर से और नादिर पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसको हम प्लम लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम लाइन, और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है कैमरे के, प्लम लाइन और नादिर पॉइंट, यहाँ ये कैमरा लगा हुआ है, ये एक्सपोजर स्टेशन है,
यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है, तो बिल्कुल 90 डिग्री पर, जहां बिल्कुल कैमरा जहां पर गिरेगा वो नादिर पॉइंट होगा, और जो ये लाइन है, ये जो लाइन है ये पलम लाइन होगी। और जब कैमरे का जो प्रस्पेक्टिव सेंटर है, और प्रस्पेक्टिव सेंटर से जो परपेंडिकुलर नेगेटिव के ऊपर परपेंडिकुलर बनता है, जब उस परपेंडिकुलर को डायरेक्ट एक नीची लाइन लंबी लाइन कैमरे के परस्पेक्टिव सेंटर से होते हुए धरातल तक जो लाइन खींची जाती है उसको हम ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। तो जब ये ऑप्टिकल एक्सिस और पलम लाइन बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर आते हो, तो उस तरह जो फोटोग्राफ हमें प्राप्त होगा वो वर्टिकल फोटोग्राफ होगा। जब पलम लाइन और जो ऑप्टिकल एक्सिस है, जब दोनों ही, ये जैसे ये इसके अंदर ये पलम लाइन है जो रेड कलर के अंदर शो हो रही है, ये पलम लाइन है, और जो येलो कलर के अंदर ये लाइन शो हो रही है, ये हमें जी कैमरा एक्सिस है या ऑप्टिकल एक्सिस है। जब दोनों ही पलम लाइन और कैमरा एक्सिस जब एक ही लाइन के ऊपर आते हो, तो उस तरह का जो फोटोग्राफ्स है वो वर्टिकल फोटोग्राफ्स होते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जब एयरक्राफ्ट किसी एरिया की फोटोग्राफी कर रहा होता है, तो उसकी उसके अंदर कुछ हलचल हो जाती है, वो हवा की वजह से या फिर वाइब्रेशन की वजह से, तो जो कैमरे का अक्ष है उसके अंदर चेंज हो जाता है। तो वर्टिकल फोटोग्राफ्स के अंदर जो ये झुकाव है, जो टिल्ट आएगा, वो 3 डिग्री तक मान्य होता है जी, 1 से 3 डिग्री तक का झुकाव वर्टिकल फोटोग्राफ्स के अंदर पाया जाता है। जो पलम लाइन है और ऑप्टिकल एक्सिस है, उनके बीच जो एंगल बनता है वो 3 डिग्री तक का हो सकता है, और ऐसे फोटोग्राफ को हम वर्टिकल फोटोग्राफ्स कहते हैं। उसके बाद है हाई ओब्लिक फोटोग्राफ्स। जो हमारी पलम लाइन होती है, उस पलम लाइन से और कैमरा एक्सिस के बीच जब एंगल ज्यादा होता है, यहाँ इसमें एंगल 40 डिग्री का है, जब ये एंगल 40 डिग्री का बनता है, तो जो फोटोग्राफ्स हमें प्राप्त होंगे वो हाई ओब्लिक फोटोग्राफ होंगे। और जब ये एंगल 30 डिग्री से, जो कैमरे के अक्ष का झुकाव हो 30 डिग्री से ज्यादा हो, तो उस तरह के जो फोटोग्राफ होंगे हाई ओब्लिक फोटोग्राफ होंगे। और लो ओब्लिक फोटोग्राफ कौन से होंगे, जब ये कैमरा एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का जो टिल्ट है वो 3 डिग्री से 30 डिग्री तक के बीच में होता है, तो उस तरह के जो फोटोग्राफ्स हमें प्राप्त होंगे वो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ होंगे। तो ये फोटोग्राफ्स थे। उसके बाद है प्रोजेक्शन, कि जो एरियल फोटोग्राफ्स है वो किस प्रोजेक्शन पर बने होते हैं, वो प्रस्पेक्टिव सेंटर प्रोजेक्शन या फिर प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव सेंटर क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव सेंटर क्या है, कि जो ये जो 5 ऑब्जेक्ट है, ए ए बी सी डी ई, ये 5 ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड रेज है एयरक्राफ्ट के द्वारा, ये 5 ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड रेज है या एम्प्टीड रेज है, इन रिफ्लेक्टेड रेज जब एक पॉइंट पर टर्मिनेटेड होती है, ए से रिफ्लेक्टेड रेज, बी से रिफ्लेक्टेड रेज, सी से रिफ्लेक्टेड रेज, डी से रिफ्लेक्टेड रेज, ई से रिफ्लेक्टेड रेज, जब किसी एक निश्चित पॉइंट पर टर्मिनेट होती है, उस पॉइंट को परस्पेक्टिव सेंटर कहा जाता है। फिर आगे ये नेगेटिव प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। परस्पेक्टिव सेंटर क्या है, जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक निश्चित पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट हो जाती है, एक सिंगल पॉइंट के अंदर, ये अलग अलग पॉइंट है, जब इनसे रिफ्लेक्टेड रेज, ए बी सी डी ई से रिफ्लेक्टेड रेज जब एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट हो रही है, तो वो पॉइंट परस्पेक्टिव सेंटर कहलाता है। और आगे फिर ये यहाँ से कैमरे के लेंस से होते हुए नेगेटिव प्लेन के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, तो ये परस्पेक्टिव सेंटर है। और जो फोटोग्राफ के अंदर जो प्रोजेक्शन है, जिस प्रोजेक्शन पर बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं परस्पेक्टिव सेंट्रल, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन या फिर सेंट्रल प्रोजेक्शन। सेंट्रल प्रोजेक्शन क्यों कहा गया, कि इसके अंदर जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक निश्चित पॉइंट के अंदर, एक सेंट्रल पॉइंट से होती भी नेगेटिव के अंदर वो रिकॉर्ड होती है। जैसे ये पॉइंट है ए बी सी ऑब्जेक्ट है, ये इनका पॉजिटिव है, ए ए बी बी सी सी, ये इनका पॉजिटिव
है, जब बी सी से रिफ्लेक्टेड एनर्जी एक निश्चित या एक सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरती है और बाद में नेगेटिव प्लेन के अंदर रिकॉर्ड होती है, तो उस तरह से जो प्रोजेक्शन बनती है उसको हम सेंट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। और इस तरह की प्रोजेक्शन के अंदर एक डिस्टोर्शन पाया जाता है। डिस्टोर्शन क्या है, जैसे ये जो पार्ट है इसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट के नजदीक का जो क्षेत्र है उनके अंदर जो स्केल है या ज्योमेट्री है वो सही रहती है, लेकिन जैसे हम यहाँ से सी पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो जैसे ये बिल्डिंग को हम ऐसे देख रहे हैं, तो इस बिल्डिंग के पीछे जितने भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट छूट जाएंगे या हाइड हो जाएंगे इस बिल्डिंग के पीछे। तो इस वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट भी हो जाता है और डिस्टोर्शन भी आ जाता है, क्योंकि हम ऊपर से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट नीचे देख रहे हैं तो वो उसकी ज्योमेट्री सेफ, जो ज्योमेट्री है वो सही रहेगी, लेकिन जैसे ही उसका तिरछा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को देखने से उनकी जो शेप है या उनकी ज्योमेट्री है उसके अंदर वो डिस्टोर्शन आ जाता है। तो सेंट्रल प्रोजेक्शन का ये एक ड्रॉबैक्स है। उसके बाद कुछ और प्रोजेक्शन भी है, जैसे पैरेलल प्रोजेक्शन। इसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्ट धरातल पर पैरेलल गिरती है और जिसको हम पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके बाद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो धरातल पर 19 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर होती है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के ऊपर ये मैप बने होते हैं। मैप के अंदर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यूज होती है और एरियल फोटोग्राफ्स के अंदर सेंट्रल प्रोजेक्शन यूज होती है। अब है प्रस्पेक्टिव या सेंट्रल प्रोजेक्शन और ऑर्थोगोनल या प्लेनीमेट्री प्रोजेक्शन। सबसे पहले प्रस्पेक्टिव या सेंट्रल प्रोजेक्शन, ये हमारा धरातलीय भाग है ए बी सी डी ई। इन ए बी सी डी से रिफ्लेक्टेड रेज एक निश्चित पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट हो रही है जिसको हम प्रस्पेक्टिव सेंटर बोलते हैं। उसके बाद इस टर्मिनेटेड पॉइंट से या प्रस्पेक्टिव सेंटर से ये नेगेटिव प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब जैसे ए और बी के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है नेगेटिव के अंदर ये लगभग सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बी और सी के बीच का डिस्टेंस है ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ बी और सी के बीच डिस्टेंस है वो कम है। उसके साथ जब डी और ई का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर रियल में ज्यादा है लेकिन जब फोटोग्राफ्स है उसके अंदर डी और ई का जो गैप है या डिस्टेंस है वो कम है। ऐसा ये सेंट्रल प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है, जिसके वजह से जो ज्योमेट्री है उसके अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है। और इस तरह जो प्रोस्पेक्टिव या सेंट्रल प्रोजेक्शन से जो फोटोग्राफ्स हमें प्राप्त होते हैं उनके अंदर स्केल वेरी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरती है और फिर नेगेटिव प्लेन के अंदर रिकॉर्ड जाती है। उसके बाद है ऑर्थोगोनल या प्लेनीमेट्री प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में क्या, जो इतनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये धरातल है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये धरातल के परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर ये धरातल को टच कर रही होती है। तो इस तरह क्या, जैसे ए और बी का डिस्टेंस है वो फोटोग्राफ मैप के अंदर सेम है, बी और सी का है यहाँ मैप के ऊपर भी सेम है सी और, तो जो डिस्टेंस है हर ऑब्जेक्ट जो धरातल के ऊपर और फोटोग्राफ्स के ऊपर वो या मैप के ऊपर वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसकी वजह से क्या है पूरे ये मैप के अंदर जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है उनका मैप के अंदर यूज होता है, जिसकी वजह से क्या है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की वजह से मैप पूरे मैप के अंदर जो स्केल है वो एक समान रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। और जो प्लेनीमेट्री करेक्ट होते हैं, प्लेनीमेट्री करेक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से पोजिशनली करेक्ट होते हैं, रिलेटिव प्रोजेक्ट जो पोजिशन है उनकी वो एक्यूरेट होती है। अब इसको एक जैसे ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये 9 ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेंट्रल प्रोजेक्शन में क्या है कि हम इस सेंट्रल प्रोजेक्शन को के द्वारा इन ऑब्जेक्ट्स जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक निश्चित पॉइंट से
रेस्पेक्टिव सेंटर से होती हुई रिकॉर्ड हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो बिल्कुल कैमरे के नीचे के ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल कैमरे का नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमें बिल्कुल सही दिखाई देगा, ऊपर से बिल्कुल सही दिखाई देगा ऊपर को देखेंगे तो। लेकिन जो कैमरे से दूर होते चले जा रहे हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है उस सेंट्रल पॉइंट से दूर होते चले जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तिरछापन आता जा रहा है, वो फोटोग्राफ से बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में क्या है कि ये धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज 90 डिग्री के एंगल पर या परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, जिसकी वजह से क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजिशन और एक्यूरेट स्केल हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये ऑर्थोगोनल और प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल प्रोजेक्शन के बीच का डिफरेंस है। जो ये प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल या प्रोजेक्शन के ऊपर जो फोटोग्राफ्स बने हुए हैं उनको हम डायरेक्टली टोपोग्राफिकली मैप के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मेन कारण यही है कि इसके अंदर डिस्टोर्शन पा जाता है, यानी ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रेस करके टोपोग्राफिकल मैप नहीं बना सकते हैं। उसके बाद है ग्राउंड नादिर और प्लम लाइन। ग्राउंड नादिर क्या है कि जैसे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ, ये प्रोस्पेक्टिव सेंटर है या एक्सपोजर स्टेशन, कैमरा लगा हुआ है, जैसे यहाँ से कैमरा को छोड़ देंगे तो धरातल पर जो जहां पर जिस पॉइंट को टच करेगा वो पॉइंट नादिर पॉइंट कहलाएगा, और जब प्रोस्पेक्टिव सेंटर से और नादिर पॉइंट को कोई किसी लाइन से जोड़ते हैं तो उसको हम प्लम लाइन कहते हैं। इस प्लम लाइन को ग्रेविटी लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू ही ये जो जो कैमरा है ये जो प्रोस्पेक्टिव सेंटर से धरातल पर टच करेगा। तो यहाँ देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। ग्राउंड नादिर पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज वर्टिकली बीनीथ द प्रोस्पेक्टिव सेंटर। जो ये प्रोस्पेक्टिव सेंटर है, इस प्रोस्पेक्टिव सेंटर के बिल्कुल नीचे अगर ये कैमरा यहाँ से छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल उसके नीचे यहाँ जाकर गिरेगा, तो ये जो पॉइंट है ये नादिर पॉइंट है। और प्रस्पेक्टिव सेंटर और नादिर पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम पलम लाइन बोलते हैं। पलम लाइन क्या देख लेते हैं, ए वर्टिकल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पासिस थ्रू द प्रस्पेक्टिव सेंटर, जो प्रस्पेक्टिव सेंटर से पास होती है टच द ग्राउंड नादिर पॉइंट, और ग्राउंड नादिर पॉइंट को टच करती है, वो पलम लाइन होती है। उसके बाद है फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट। फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट जो ग्राउंड नादिर पॉइंट है बिल्कुल उसके कोरस्पोंडेंस जो नेगेटिव प्लेन है वहां पर ये पॉइंट होता है। ये भी कैमरे के प्रस्पेक्टिव सेंटर से होता हुआ जब नेगेटिव फोटो प्लेन के ऊपर इसको परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो परपेंडिकुलर नेगेटिव पर बनता है, नेगेटिव प्लेन पर बनता है, उसको हम फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट कहते हैं, फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट कहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, द पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ विच कोरस्पोंडेंस टू द ग्राउंड पॉइंट। ये ग्राउंड नादिर पॉइंट के कोरस्पोंडेंस फोटोग्राफ के ऊपर पॉइंट होता है। जैसे ये प्रस्पेक्टिव सेंटर से ग्राउंड के ऊपर जिस भाग को टच करता है वो ग्राउंड नादिर पॉइंट, और प्रस्पेक्टिव सेंटर से नेगेटिव प्लेन के ऊपर फोटोग्राफ पे जो पॉइंट टच करता है वो फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट कहलाता है। द पॉइंट एट विच वर्टिकल लाइन या प्लम लाइन फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव सेंटर टू द ग्राउंड नादिर इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ्स। लेकिन जब ये वर्टिकली फोटोग्राफ में होता है कि इससे ऐसे होता है, लेकिन जो अगर ये ओब्लिक फोटोग्राफ्स होंगे, ओब्लिक फोटोग्राफ्स के अंदर जो नादिर पॉइंट है, ग्राउंड नादिर पॉइंट और फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट वो कॉरेस्पोंडेंस होंगे, लेकिन जो ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा है, ऑप्टिकल एक्सिस कैमरा या कैमरा एक्सिस है वो पलम लाइन से के ऊपर न होकर पलम लाइन से अलग होती है, और जिस बिंदु पर ये ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा या कैमरा एक्सिस नेगेटिव प्लेन पर जहां टच करेगा उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। अब है फिड्यूशियल मार्क, फिड्यूशियल एक्सिस और प्रिंसिपल पॉइंट।
जो कैमरे का नेगेटिव होता है, कैमरे का जो नेगेटिव होता है, जो रील होती है, उस नेगेटिव को सपोर्ट देने के लिए चारों कॉर्नर पर कुछ पिन का यूज करके उसको सपोर्ट दी जाती ताकि वो नेगेटिव गिरे ना। तो वो सेंट्रल पॉइंट के अंदर भी हो सकते थे, वो सेंट कॉर्नर पर भी हो सकते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट पर भी हो सकते हैं। तो और ये प्लस माइनस वी डब्ल्यू किसी भी आकार के हो सकते हैं, जो फिड्यूशियल मार्क है कैमरे के अंदर होते हैं, फोटो नेगेटिव के अंदर होते हैं, और ये फोटो के कॉर्नर पर या सेंट्रल पॉइंट के ऊपर होते हैं। जब इन फिड्यूशियल मार्क्स को एक दूसरे से मिला दिया जाता है, जैसे इस पॉइंट को हम इस फिड्यूशियल मार्क्स को इस फिड्यूशियल मार्क से मिला देते हैं, तो फिड्यूशियल एक्सिस का निर्माण हो जाता है। इस फिड्यूशियल एक्सिस का, जब फिड्यूशियल मार्क्स को एक दूसरे से मिला दिया जाता है, तो फिड्यूशियल एक्सिस का निर्माण हो जाता है। और जहां पर ये दोनों फिड्यूशियल एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस क्रॉसिंग पॉइंट को हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर, फोटोग्राफिक डिस्टेंस और प्रिंसिपल पॉइंट। तो जिस एरिया का फोटोग्राफ हम कैमरे द्वारा ले रहे होते हैं, तो उस कैमरे के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो जो ये कैमरा है जिससे हम इस भूभाग का फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, तो इस पॉइंट्स को समझने के लिए इसको जूम करके यहाँ ले आते हैं, इस कैमरे के इंटरनल पार्ट को। तो यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है। इस लेंस से जब फोटो प्लेन के ऊपर हम परपेंडिकुलर या लंब डालते हैं, तो वो परपेंडिकुलर फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर कहलाता है, कैमरे के इंटरनल पर्सपेक्टिव सेंटर से। जो कैमरे का आंतरिक भाग है और कैमरे का बाहरी भाग है, तो कैमरे के आंतरिक भाग से हम नेगेटिव प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, जो लंब डालते हैं, उसको हम फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो कैमरे का आंतरिक भाग है, इसको हम रियर नोडल पॉइंट भी कहते हैं। रियर नोडल पॉइंट से फोटो प्लेन तक जो लंब डाला जाता है या परपेंडिकुलर होता है, उसको हम फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इस फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है, उस लेंथ को हम फोटोग्राफिक डिस्टेंस कहते हैं, और इसी फोटोग्राफिक डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, कैमरे की फोकल लेंथ। जो फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर होता है, उस परपेंडिकुलर को हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। तो ये फोकल लेंथ भी है, कैमरे के रियर नोडल पॉइंट से नेगेटिव प्लेन के बीच की जो फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ फोटोग्राफिक डिस्टेंस कहलाती है या कैमरे की फोकल लेंथ भी कहलाती है। उसके बाद जिस बिंदु पर ये फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर टच करता है, उसको हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। जिस बिंदु पर ये टच करता है फोटोग्राफिक परपेंडिकुलर, उसको हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। और जैसे ये प्लस के निशान है इस नेगेटिव के अंदर, ये क्या है, फिड्यूशियल मार्क है। इन फिड्यूशियल मार्क को जब हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तो फोटोग्राफिक सेंटर का निर्माण होता है, फोटोग्राफिक सेंटर का निर्माण होता है, या प्रिंसिपल पॉइंट का। जब इन प्रिंसिपल पॉइंट से कोई लाइन कैमरे के पर्सपेक्टिव सेंटर से होते हुए धरातल पर टच करती है, तो वो लाइन ऑप्टिकल एक्सिस कहलाती है। ऑप्टिकल एक्सिस, द लाइन फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट थ्रू द सेंटर ऑफ कैमरा लेंस। प्रिंसिपल पॉइंट से होती हुई कैमरा लेंस को क्रॉस करती हुई जब वो धरातल तक लाइन पहुंचती है, उसको ऑप्टिकल एक्सिस कहा जाता है। उसके बाद है फोटोग्राफिक सेंटर। फोटोग्राफिक सेंटर क्या होता है कि जितने भी फिड्यूशियल मार्क है, जब इन फिड्यूशियल मार्क को हम एक दूसरे आमने सामने वाले फिड्यूशियल एक्सिस से, फिड्यूशियल मार्क से मिलाते हैं, तो फिड्यूशियल एक्सिस का निर्माण होता है। और जहां पर ये फिड्यूशियल एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो फोटोग्राफिक सेंटर का निर्माण करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ दैट इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ फिड्यूशियल एक्सिस। जो फिड्यूशियल एक्सिस है, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट फोटोग्राफिक सेंटर कहलाता है।
वैसे फोटोग्राफिक सेंटर, फोटोग्राफिक नोडल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट और फिड्यूशियल सेंटर, ये सारे अगर एक्यूरेटली कोई वर्टिकल फोटोग्राफी हो रही है किसी की, तो सारे पॉइंट एक ही जगह दिखाई देंगे, ये सारे पॉइंट एक ही होते हैं, लेकिन टेक्निकली इनकी डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। जैसे फिड्यूशियल मार्क है, फिड्यूशियल मार्क्स को मिलाने से एक्सिस का निर्माण हुआ, और एक्सिस जहां पर क्रॉस कर रहे हैं वहां फिड्यूशियल सेंटर है या फोटोग्राफिकल सेंटर है, और जहां पर परस्पेक्टिव सेंटर से जो परपेंडिकुलर नेगेटिव प्लेन के ऊपर जहां पर टच करता है या फोटो प्लेन पर जहां पर टच करता है वो प्रिंसिपल पॉइंट होता है, और जो जो परस्पेक्टिव सेंटर से जो परपेंडिकुलर नेगेटिव के ऊपर टच करता है प्लम लाइन, जो ग्राउंड और उसके बाद जो नादिर पॉइंट है, जो ग्राउंड नादिर पॉइंट के कोरस्पोंडेंस जो पॉइंट फोटोग्राफ या फोटो प्लेन पे होता है वो फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट कहलाता है। इन सब टर्म्स को पढ़ने के बाद स्केल का डिस्कशन भी ज्योमेट्री के अंदर करना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा धरातल है वो कहीं पर फ्लैट है और वो कहीं पर अनइवन धरातल है, तो अनइवन धरातल की वजह से ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन ज्यादा होता है। फ्लैट जो फ्लैट टेरेन है उसके अंदर डिस्टोर्शन तो होता है, लेकिन वो अनइवन टेरेन की तुलना में कम होता है, और जब हम फ्लैट टेरेन किसी एरिया फोटोग्राफ है हमारा, फोटोग्राफ से स्केल को निकालने के लिए कैमरे की फोकल लेंथ और जिस हाइट पर धरातल से ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है या जहां पर कैमरा लगा हुआ है उसे डिवाइड करके हम फोटोग्राफ का स्केल निकाल लेते हैं। अगर वो अनइवन स्केल है तो जो फोकल लेंथ है और एज एयरक्राफ्ट की हाइट है उसके अंदर से स्मॉल एज, स्मॉल एज क्या होती है कि जो मीन सी लेवल से जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, तो वो स्मॉल एज उस ऑब्जेक्ट की हाइट होती है और उसको हम एयरक्राफ्ट की हाइट से माइनस करके और उसका स्केल निकाल लेते हैं। उसके बाद है रिलीफ डिस्ट, जो धरातलीय विस्थापन है उसकी वजह से भी ज्योमेट्री के अंदर डिस्टोर्शन आता है। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस यहाँ डेटम से नीचे हो गया है और यहाँ डेटम से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो जब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डेटम से नीचा हो जाता है तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ झुके हुए होंगे, इनवर्ड प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ। मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल पॉइंट है तो वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ झुके हुए मिलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट ली हुए है और डेटम से ऊपर है उनकी हाइट, तो वो ऑब्जेक्ट जो ये प्रिंसिपल पॉइंट है वो बाहर की तरफ निकले हुए प्रतीत होते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट से वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो जो ये धरातल के उचावच के अंदर विभिन्नता होने के कारण फोटोग्राफ्स के अंदर जो डिस्टोर्शन आता है उस डिस्टोर्शन को हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे ये ऑर्थोगोनल मैप है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, चाहे ये जहां पर धरातल की जो हाइट है वो मीन से लेवल से डेटम से नीचे है, तो भी ऑब्जेक्ट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या मैप के अंदर हमें एक्यूरेट दिखाई देगा, या उसकी हाइट ज्यादा है तो भी हमें वो एक्यूरेट दिखाई देगा। लेकिन जब हम सेंट्रल प्रोजेक्शन के अंदर हम किसी भी एरिया का फोटोग्राफ्स लेते हैं तो जो ऑब्जेक्ट धरातल से नीचे है वो ऑब्जेक्ट हमें प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ झुका हुआ मिलता है, और जो ऑब्जेक्ट हाइट लिए हुए होता है वो ऑब्जेक्ट हमें प्रिंसिपल पॉइंट से बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट है, इन 9 ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये सेंट्रल पॉइंट का ऑब्जेक्ट है इसको डायरेक्ट एयरक्राफ्ट या जो कैमरा है डायरेक्ट वर्टिकली इसको देख रहा था और हमें ये ऊपर से ऐसा दिखाई देता है, लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रिंसिपल पॉइंट से
हमें बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की धरातल से कुछ न कुछ हाइट है, कुछ न कुछ ऊंचाई ऊंचाई के ऊपर ये धरातल जो ऑब्जेक्ट है स्थित है। हो सकता है ये कोई बिल्डिंग हो सकता है कोई टावर हो। तो ये ऑब्जेक्ट धरातल से कुछ न कुछ हाइट्स रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है उससे बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं। और जो जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एक्यूरेटली फोटोग्राफ से मेजर भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, जो फोटोग्राफ्स है वो पूरी तरह से वर्टिकली फोटोग्राफ होने चाहिए, और जो कैमरा है कैमरा भी परफेक्ट एडजस्टेड होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कैलिब्रेशन एरर नहीं होना चाहिए। अब भाई रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, जैसे इस फोटोग्राफ के अंदर ये बिल्डिंग है, ये हमें बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये हमें बाहर की तरफ निकली हुई या झुकी बाहर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट है। इस प्रिंसिपल पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ये दूरी रेडियस कहलाती है, रेडियस। तो जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करने का एक फॉर्मूला भी है। डी मीन्स रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, आर मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल पॉइंट से कितने रेडियस के ऊपर है और कितना वो झुका हुआ है, वो लेंथ क्या कहलाती है, आर। एच एच मीन्स स्मॉल एच मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, और एच क्या है कि कितनी ऊंचाई पर धरातल से एयरक्राफ्ट है वो उड़ रहा है, वो कैपिटल एच है। अब इसको हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझते हैं। ये हमारा ग्राउंड एरिया है, सरफेस एरिया है, इसके ऊपर ये एक बिल्डिंग है और इसके फोटोग्राफी कर रहे हैं हम इस एरिया की। तो जो रेज है, वैसे तो ये यहाँ ये रेज सिंगल पॉइंट के ऊपर पूरा टकरानी चाहिए थी, अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं होती तो सिंगल पॉइंट पे होती, लेकिन हम इस सिंगल ऑब्जेक्ट को इसके ऊपरी भाग और इसके लोअर भाग से जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको डिटेक्ट करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसकी वजह जैसे ये इसका ऊपरी भाग की वजह से यहाँ रिकॉर्ड हुआ और लोअर पार्ट इसका यहाँ रिकॉर्ड हुआ। तो वैसे तो ये सिंगल पॉइंट ए ऑब्जेक्ट होना, सिंगल ए होना चाहिए था, लेकिन ए और बी इसकी हाइट की वजह से इसके दो पार्ट्स बन गए ए और बी। तो जो ये ए और बी नेगेटिव के अंदर जो ये डिस्टेंस आई है, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टोर्शन है और ये डिस्टोर्शन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है जो नेगेटिव के अंदर बनी। और जो पॉजिटिव के अंदर, यहाँ जो पॉजिटिव के अंदर ये एरर डिस्टोर्शन दिखाया गया है ए और बी, ये भी पॉजिटिव के अंदर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव के अंदर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्टेंस यहाँ आया है और जो ये डिस्टेंस यहाँ आया है, जो प्लम्ब लाइन से जो डिस्टोर्शन आया है उसको हम पॉजिटिव रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, वो देख लेते हैं। जैसे ये कंटूर्स मैप है, कंटूर्स मैप्स के अंदर ये कोई पाइपलाइन जा रही है, इसकी ज्योमेट्री हमें एक्यूरेट और सीधी लाइन के रूप में हमें शो हो रही है, लेकिन जो ये कंटूर्स लाइन क्या शो कर रही है कि यहाँ पर कोई ऊंचाई वाला भाग है, यहाँ पर कोई ऊंचाई वाला भाग है और बीच में ये वैली है यहाँ, और ये ऊंचाई का पार्ट है। जब हम सेंट्रल प्रोजेक्शन से इस एरिया की फोटोग्राफी करेंगे, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, अनइवन टेरेन है, कहीं पर धरातल वो ऊंचा है कई बार धरातल नीचे है, उसकी वजह से जो फोटोग्राफ के अंदर इस पाइपलाइन की ज्योमेट्री होगी वो ऐसी होगी, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो इधर है, कि जो प्रिंसिपल पॉइंट से ऊंचाई ले हुए ऑब्जेक्ट होंगे वो बाहर की तरफ तिरछे निकले हुए दिखाई देंगे, और जो लोअर पार्ट है वो प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। जैसे इसके बाद ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसका मतलब ये धरातल से ऊंचा है ये भाग। तो इस तरह ये ज्योमेट्री इस पाइपलाइन की डिस्टोर्ट हो चुकी है। तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट। अब क्या हम इस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को एक्यूरेट कर सकते हैं, जो फोटोग्राफ के अंदर जो ये
ज्योमेट्री की, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री जो चेंज हुई है क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन को, रिलीफ डिस्टोर्शन की वजह से जो डिस्टोर्शन ज्योमेट्री के अंदर आया है किसी भी फोटोग्राफ्स के अंदर, हम उसको ऑर्थो रेक्टिफिकेशन के द्वारा उस फोटोग्राफ को एक्यूरेट कर सकते हैं। ऑर्थो रेक्टिफिकेशन क्या है कि जो सेंट्रल प्रोजेक्शन थी, जो ये सेंट्रल प्रोजेक्शन थी, सेंट्रल प्रोजेक्शन के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट थे, इस ऑब्जेक्ट को हम, ये जो ऑब्जेक्ट है इनको हम सेंट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा रिकॉर्ड करके उनका एरियल फोटोग्राफ कर रहे थे। जब हम इस सेंट्रल प्रोजेक्शन को ऑर्थो प्रोजेक्शन के अंदर, कि इसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सरफेस को टच कर रही होती है, तो जो सेंट्रल प्रोजेक्शन को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के अंदर हम चेंज कर देते हैं तो वो प्रोसेस ऑर्थो रेक्टिफिकेशन हो जाती है। और इसके लिए हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल पूरी तरह से एक्यूरेट हो, उस डिजिटल एलिवेशन मॉडल का यूज करके हम सेंट्रल प्रोजेक्शन को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के अंदर ये जो लाइन है ये हमें सेंट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा जो फोटोग्राफ प्राप्त हुआ है वो है ये। तो ये लाइन यहाँ बाहर की तरफ निकली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल पॉइंट ये होगा और ये प्रिंसिपल पॉइंट से ऊपर की तरफ निकला हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब ऑर्थो रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि जो इसकी सेंट्रल प्रोजेक्शन है, इस सेंट्रल प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसके बाद जो ये लाइन है, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से एक्यूरेट दिखाई देता है। और इस तरह जो फोटो, इस प्रोसेस से जो फोटो हमें प्राप्त हुए हैं उनको ऑर्थो फोटो कहते हैं। तो ऑटो रेक्टिफिकेशन के द्वारा हम इस ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन को दूर कर सकते हैं। और जब ये फोटोग्राफ्स तैयार हो जाते हैं तो इन फोटोग्राफ्स को हम टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, आशा है कि आपको समझ में आई होगी।